शब्द तो खाली बर्तनों जैसे हैं, उनमें अर्थ तो हम ही डालते हैं। ये अर्थ हम डालते हैं अपनी अपनी वासना, चित्त दशा और चेतना की अवस्था के अनुसार। हमारे भीतर से उठती हमारी अंतर अवस्था की तरंग जिस तरह के शब्दों से टकराती है, उसी तरह के शब्दों को जीवन मिलता है। जब घृणा, ईर्ष्या, प्रतिक्रिया इन शब्दों को छूती है तो शब्द जहरीले हो जाते हैं, और जब प्रेम, शांति और प्रसन्नता शब्दों को छूती है तो शब्द सुवासित हो उठते हैं। जब हमारी जड़ता, अज्ञानता और अहम शब्दों से जा मिलता है तो शब्द दीवार बन जाते हैं, और जब हमारी प्यास, तड़प और अनंत की पुकार शब्दों में शामिल हो जाती है तो वही शब्द द्वार बन जाते हैं, और जब बोध की किरण शब्दों को स्पर्श करती है तो शब्द अमृत के संवाहक हो जाते हैं, अमृत को धारण करने वाले हो जाते हैं। शब्दों से मत उलझो, अपनी अंतर अवस्था के प्रति जागरूक बने रहो। तुम्हारे लिए शब्द वही अर्थ लिए दिखाई देते हैं जैसा तुम्हारा अंतरतम होता है। बर्तनों को इकट्ठा करना व्यर्थ है यदि उनमें श्रेष्ठतम भोजन न भरा जाए। बर्तनों में भोजन भी हम अपनी प्रकृति और वासनाओं के अनुसार ही तो डालते हैं। शब्द भी ऐसे ही हैं, बर्तनों जैसे। उनमें अर्थ, उनमें प्राण और उनमें ऊर्जा तुम्हें ही डालनी है।